दो बज रहे रात के हो दे यार जी। रुको बाय क्यों भाई, गुड मॉर्निंग विश कर दो। ये इंसान 2 बजे रात को आया है और फिर अभी जा रहा है, ये हालत है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैंने जस्ट आवर लिया है, मैं आपसे 2 मिनट में मिलती हूँ। एक्चुअली दिवाली की वजह से दीपक जी की ड्यूटी जो है बहुत स्ट्रिक्ट लगी हुई है इस टाइम। चल 2 बजे रात को आए थे और फिर अभी सुबह चले गए हैं। और आज है अहोई अष्टमी का व्रत, मैं नहा कर आई हूँ, थोड़ा बहुत तैयारी किचन में करनी है, वो सब करती हूँ। एंड चलिए शुरू करते हैं। मैं को सीवियर गोल्डन कफ है, मेरी छाती बिल्कुल भरी हुई है और मेरी कमर आतड़िया दर्द कर रही है, खास खास के इतना बुरा हाल है। आंसू निकल रहे हैं रो रो के, तो मेरी आवाज से आपको पता चल जाएगा। सो मेरी तो वैसे आज छुट्टी ली है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इतना सीवियर कोल्ड कफ और पानी की एक बूंद नहीं पी सकती मैं, खास खास के मेरा बुरा हाल है। लेकिन व्रत है और अच्छा, तो मिलती हूँ अब थोड़ी देर में। सूट, ये वाला सूट बताऊं सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा सूट जो मैंने साड़ी से बनवाया था वो तैयार है, पर देयर इज नो वन जो मेरा सूट लाके मुझे दे दे। मेरी तबीयत खराब है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही और दीपक जी की ड्यूटी इतनी स्ट्रिक्ट है, वो रात को 2 बजे आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, मेरा सूट लाके देने वाला कोई नहीं है। मैं क्या पहनूँ, मैं अब यही वाला सूट पहनूंगी, देखूंगी अब वो सूट दिवाली पे पहन लूंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मम्मी जो है पुन्हा के आ गई हैं और वो चौक पूज रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चौक पूजते हैं और चौक पूजा की जाती है। और बहुत देखो कितनी सुंदर मम्मी ने चौक बनाई है, मुझे तो इतनी सुंदर आता भी नहीं है जितनी मेरी सासुमा कर लेती है। तो देखो कितना सुंदर चौक पूजा है। और मीन वाइल मैं यहाँ पर बाइने का पूजा का सामान उतार रही हूँ। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये छोटी छोटी बेसिन की फरे उतरते हैं, परे हमारे में इसको बोला जाता है। साथ में कुछ बेसन की पूड़ी बनेगी जिसमें वही लोई बना के हल्का सा जो बेसन का ये आटा हमने मला है ना वो इसके अंदर भर देंगे और उसकी छोटी छोटी बेसन की पूड़ियाँ उतारेंगे। सो गाइस आई एम रेडी, बस जैसे तैसे हो गई हूँ रेडी क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी और बोला भी नहीं जा रहा मुझसे बहुत ज़्यादा, तो बस ठीक है जैसे रेडी हो गई हूँ, बट अच्छी लग रही होगी। तो ये दुपट्टा है जो इस सूट के साथ का है, ये अंदर रखा था एंड अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आप पूजा के लिए भी सारी तैयारी हो गई है, चलिए करते हैं पूजा। चलो पूजा करते हैं। आंटी नमस्ते, डाल रहे हो तीवू चुन्नी लगी हो वो शादी वो दूसरी वाली, कैसे हो आंटी? मैं बहुत बढ़िया, आंटी भी रेडी है आंटी। और गाइज आपको मम्मी भी दिखाती हूँ, मम्मी भी रेडी, भी आज साड़ी पहनी है ये देखो, तो आज मम्मी भी साड़ी में तैयार हुई है और ऑलमोस्ट सारी पूजा की तैयारी हो गई है। चलिए पूजा करते हो।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ सारी पूजा, पहले से भी बताया था कि सारी पूजा हमारे यहाँ घर में होती है, तो ऐसे हम बिल्कुल करवा वाला माता के जो कैलेंडर है उसके साथ में आहोई माता का कैलेंडर लगाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इस कैलेंडर में या कह लो इस फोटो में जो जितने भी हैं माता, सूर्य देवता और सात साहूकार की बहनें, ये सब भाई बहनें, ये सारी चीजें, बच्चे उनके, ये सब सबको टीका लगाया जाता है। जितने भी यहाँ पर कैलेंडर में मौजूद हैं इन सबको टीका किया जाएगा और उसके बाद बच्चे को गोद में बैठा कर या साथ में बैठा कर हमारे यहाँ ये पूजा की जाती है। हमारी जो आंटी हैं, नेबर जो मेरी हैं, वो भी होई वाली पूजा हमारे घर में ही आके करती हैं, क्योंकि सबके घर घर में होती है पूजा, तो आंटी मेरे पास ही आ जाती है और मैं कथा पढ़ देती हूँ सबके लिए। बोलो आही माता की जय। अहोई आठे अष्टमी व्रत की पूजन विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है अहोई आठी भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे। सायकाल को अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास बच्चा मर गया। स्याहू की माता ने कहा, तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं जिसपे गणेश। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। उसके बाद जो करवा बदलने का हमारे यहाँ रिवाज है, वो हम कल माता के साथ ही कलम वो करवा बदलते हैं। ऐसे दोनों तरफ उनके सात बारी हम इस तरीके से लोटे को फिराते हैं और इसे बोलते हैं हमारे यहाँ करवा बदलना। अब सूर्य का जल चढ़ाते हैं, चलिए, क्योंकि एक बार सूर्य को देवता को जल चढ़ता है और उसके बाद सीधे रात को तारे को जल चढ़ता है। साढ़े तीन का टाइम है और मम्मी खाना बना रही है। मेरी हालत कट है, बिल्कुल खत्म। अनाल छोयो, देखो मैंने ना कल खांसी के चक्कर में इतना हल्दी पानी, अदरक और का रस और शहद इतना पी लिया गरम गरम कि मेरे को पिंपल निकल आया। दवाई भी खाती हूँ, ऊपर से थे हल्दी का पानी, हल्दी अदरक का पानी पिए जा रही थी खांसी के चक्कर में, उसकी वजह से दाना निकल आया। यहाँ पर मम्मी बना रही है आलू मेथी की सब्जी, आलू टमाटर और ये खाने में होगी बेड़ भी बोड़ी। मैं दिखा नहीं सकती बिकॉज मम्मी अभी दिखाने लायक वाले कपड़ों में नहीं है। दिखाने लायक होती तो मैं दिखाती, पर चलो ऊपर से फिर मम्मी बना रही है हमारे लिए। मम्मी ऊपर देखो, सबको अष्टमी विश कर दो। सबको मुबारक हो, सबके बच्चे खुश रहे, स्वस्थ रहें इसी तरीके से और तरक्की करें भाई, यही चाहते हैं। यही कृपा करें आयु माँ, कृपा करें हुई माता सब पर। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑफिस का एक सेशन। शाम के टाइम मेरा आधे घंटे का सेशन था ऑफिस का, जो कि मैं वर्चुअल ले रही हूँ इस टाइम पे, और छुट्टी बोली थी बट नहीं मिली, तो जिस कारण एक सेशन मुझे लेना पड़ा वर्चुअल। और इस टाइम जो मेरी कंडीशन है ना, वो आपको नहीं पता, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है तबीयत मेरी, लेकिन फिर भी सेशन के लिए मुझे बैठना पड़ा। क्लासेस ले लिया मैंने, सेशन लेना था, एक मीटिंग थी वो लेना था, वो ले लिया। अब तारा भी निकल आया है, लेट्स डू पूजा नाउ। बेटा वो प्लेट मुझे दे दो, कर लेते हैं। मेरी हालत बहुत खराब है, आपको अंदाजा भी नहीं है अभी कि कितनी मेरी कंडीशन खराब है। और मेरी मदर इन लॉ इस टाइम मेरा बैक बोन है, शी इज डूइंग एवरीथिंग राइट नाउ। आई एम ओनली टेकिंग माई ऑफिस कॉल्स एंड नथिंग एल्स। सुबह
मेरा पुराना फोन तो था, अभी आपके पुराने फोन पे मीटिंग थी और लक्ष्य मांगो ना। अब यहाँ पर ये पूजा आपने मेरी उस टाइम भी देखी थी करवा चौथ पर, और अभी आप अहोई पे भी देख रहे हो। तो एक छोटे से जैसे कि अहोई पे 8 बार एक सर्कल हल्दी और चावल से बनाया जाता है, और जिसमें जो भी सामग्री हम गणेश भगवान को मिट्टी के स्वरूप में बना के रखते हैं, और शाम के टाइम उसकी पूजा करते हैं तारा निकलने के समय पे। तो क्योंकि मम्मी भी व्रत है, हम सब व्रत है, तो यहाँ पर मम्मी को मैं करवाऊंगी और आप मेरी बारी आ गई है तो मैं करूंगी। करना कुछ नहीं होता इसमें, जो भी सामान आप बनाते हो वो सब गणेश जी के स्वरूप को मानकर और उस पर चढ़ाना होता है। और उसके बाद जो आपने अंगूठी अपने हाथ में पहनी होती है उसको लेके, बाकी सारा बांधने का सामान थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में लेके, दिया लेके जल के स्वरूप में हम चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैंने मम्मी को किया था और मम्मी मेरे को यहाँ पे कर रही है। अब यहाँ पर हमने करी तारे को जल चढ़ाने की तैयारी पूजा, तारा भी निकला हुआ था तो यहाँ पर नीचे सब पूजा करके उसके बाद मैंने तारे को भी जल चढ़ाया और जो भी मैंने बनाया था वो भोग स्वरूप लगाया। लोग ऐसा कहते हैं कि अहोई आटे की पूजा बेटों के लिए की जाती है, पर मेरा तो कोई बेटा नहीं है और मैं शुरू से पिछले अपने, मैं तो अपनी बेटी को ही बेटा मानती हूँ। बेटा ही मेरा सब कुछ है, मेरी बेटी ही सब कुछ है, वही मेरा बेटा, वही मेरी बेटी, वही सब कुछ। तो इसी के लिए मैं तो अपना व्रत रखती हूँ और ये मेरा आज अहोई आटे का व्रत पूरा हुआ। चलिए अब देखिए दिव्या हमारा व्रत खुलवाई, पोती व्रत खुलवा रही है दादी का। So happy, happy, happy Ahoi Hastami to all of you guys। Ahoi Mata आप सब के बच्चों की रक्षा करे, है ना? जाओ। अब यहाँ पर मैंने ली अपनी मेडिसिन, व्रत खोलते ही सबसे पहले मैंने ली दवाई अपनी, क्योंकि मेरी जान में जान दवाई खा के ही आएगी। सुबह से बिना पानी के खांसी, इतनी गला मेरा हो रहा था ना, जुकाम, मैं बता नहीं सकती। दवाई खाई मैंने, नेबुलाइजर लिया एंड थोड़ा रिलीफ मुझे फील हुआ। मैं आप नहीं जानते मेरी कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी। मेरी मदर इन लॉ बना रही है बेड़मी पूरी और यहाँ बन रही है, बिकॉज ऑल प्रोसेस ऑलरेडी डन। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इससे ज्यादा, मैं कैमरा नहीं चला रही हूँ, नहीं वो कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, बट मैंने कहा ये जरूर दिखाऊंगी कि मेरे हाथ की मदर इन लॉ की बेड़मी। मम्मी ने इसको ऑलरेडी ना सेमी कुक करके रख लिया था, सेमी कुक लाइक हाफ हाफ पूड़ी बना के रख ली थी, और अब जब हम खाने के टाइम पे बैठ रहे हैं तो मम्मी इसको प्रॉपरली उतार रही है अब। तो ये है बेड़मी पूड़ी मम्मी के हाथ की। हे इज माई मदर इन लॉ, और ये है मेरी मदर इन लॉ का पूरा लुक और साड़ी में, बहुत टाइम बाद हमने भी खुद देखा है। एंड खाने में आज मम्मी ने क्या बनाया है, तो आलू टमाटर मेथी आलू रायता बेड़मी पूड़ी इन अवर डिनर, तो सब मम्मा ने बनाया है। आई फील बैड कि मैंने आज हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि मैंने सिर्फ पांडा उतारा था और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हेल्प जो मम्मी की कर सकती थी वो करी है, अदरवाइज खाना मम्मी ने बनाया है। ठीक है, कई बार नहीं होती तबीयत ठीक और करना पड़ता है, तो बस यही है आज। स्पेशली बेड़मी पूड़ी का तो मम्मी ने मुझे बोला ही था कि मैं बनाऊंगी, पर सब्जी सोची थी कि मैं चौंक दूंगी, पर नहीं हिम्मत हुई। मेरी ना आवाज भी कहाँ पड़ी, सांस फूटी बोलते बोलते। सो चलिए डिनर करते हैं। दीपक जी का आज व्रत हो गया क्योंकि दीपक जी तो वीरवार का व्रत रखते हैं, आप लोगों को पता है, तो उनका भी बेचारे का व्रत हो गया। चलिए दीपक जी भी कर रहे हैं डिनर, उनका व्रत था आज थर्सडे का, तो ही इज ऑल्सो हैविंग डिनर। हाउ वॉज योर डे दीपक जी, हाउ वॉज योर डे? दिवाली की वजह से रेल लगी हुई है, करेक्ट है ना? चल डिनर हैज बीन डन, अभी किया डिनर और सबने कर लिया। अब मम्मी और दीपक जी गए हैं बर्तनों को चेंज करने, तो ये आज मेरे नए बर्तन आएंगे। और यहाँ दीबू का करवा रही हूँ स्कूल वर्क, पेंडिंग वर्क किसी से व्हाट्सएप लिया है वर्क को और वो कंप्लीट करवा रही हूँ। आज छुट्टी करवा दी थी इस वजह से आज छुट्टी हो गई इसकी, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब वो कर रही है। और अभी खाना खाया तो जान में जान आई है,
चलो पहली घर के सारे बर्तन अलग हो गए, बदल गए हैं, अलग हो गए मतलब कि बदल गए। लाइक पहला है हमारा फ्राई पैन जो नया आया है, वो भाई साहब इतना भारी है किसी का एक सर पे मारो तो फट जाए सर। वाकई में ये सच में भारी है यार, ये साफ होता है, अल्मोनियम का साफ होता है, स्टील तो साफ बहुत जल्दी होता है लेकिन जलाना नहीं है। कढ़ाई डेंटनेन स्टील, आई एम सॉरी, मम्मी साहब ने बैठी है, आप लोग कहीं सोचो तो भाई नहीं आता मैं क्या करूँ, खुद ही लेकर आई है। अब उन्होंने जिस देखो यार कहते ना कई बार चीजें नहीं समझा पाता बंदा, अब कह रहे नहीं यही ठीक होती है, यही ठीक होती है। ये भी आ गया, और क्या लाई है मम्मी, छह कटोरिया ये वाली, कौन सी नाम मम्मी कहाँ पे कहा इसको तुम लिखा दिव्या ने लिखा, डी लिखा है तो इसने डी बनाया है। मेरा नाम है ओ भाई दिव्या, मम्मी ने तो नाम लिखवाया है भाई बर्तनों पे, यहाँ से देख बेटे कैमरे को ध्यान, मम्मी कह रही है दिव्या को तेरे दहेज के बर्तन है ना उसमें इकट्ठी कर रही हूँ। दिव्या लिखवाए तो ये रही दिव्या, दिव्या के नाम की लिखवाई है, बहुत बारीक लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ नाम के बर्तन देख ले करवाए बुलवाए। ये हमारा कैसरोल, हमारा पुराना कैसरोल खराब हो रहा था तो हमारा कैसरोल स्टेनलेस स्टील का, ये भी स्टील का हूँ, ये तो सब काम आ जाएगा, ये मुझे लग लो चावल लग लो दाल लग लो रोटी भी, हाँ मैं समझ गई, मुझे वैसे कह रहे हैं कह रहे हो पुराना नहीं बना रहा था, यही यही अच्छा लग रहा है। हमने लाई भी कितना बड़ा, हम चार से सब बड़ा होता है, छोटा नहीं आता, छोटा नहीं है ना, सबसे छोटा है गहरा वाला होगा ना, वाला नहीं है, और लास्ट प्लेट आई है, और प्लेटों पे भी नाम गुदवाया गया है, ये ना पास ना दिव्या दिख रहा है, ये रही दिव्या के नाम की प्लेट, तो हर प्लेट पे दिव्या लिखवाया गया है, प्लेटे तो अभी घर में आ गई है, प्लेटे कटोरी कढ़ाई फ्राई पैन और गैस कुकर, अब आनी है बस कुकर, वो भी आ गया क्योंकि वो मैंने जिम्मेदारी ली है मम्मी से स्टेनलेस स्टील कुकर लाने की, तो वहां है ना। चलो तो पुराने बर्तन देखे इतना सामान ले रहे हैं, मम्मी के ऊपर से कितने लगे हमें 2000 रुपये लगे ना। वेलकम बैक गाइस, तो आज है अगला दिन और मैं यहाँ हॉस्पिटल से वापस आ रही हूँ और ऑफिस जा रही हूँ, रात भर में मेरी व्रत रख के और बाकी तबीयत तो खराब हो ही रही थी, इस वजह से मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि रात भर मैं सो नहीं पाई और पूरी रात मेरी खांसते मतलब कफ की वजह से बीती एंड ब्रीथिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर ने क्या कहा चलिए ऑफिस पहुंचते हैं फिर बताती हूँ। वेलकम बैक गाइज, तो मैं आ चुकी हूँ ऑफिस, हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डॉक्टर ने बोला है आपको सीवियर एस्थमा अटैक पड़ा था, अटैक पड़ना बोलते हैं इसे सीवियर अटैक, जिसमें एकदम से आपकी सांसें फूल जाएंगी, फूलने लगती हैं, बिजिंग, कोई बंदा मेरे पास बैठा हो तो उसे समझ में आ जाएगा कि कितनी तेज तेज आवाज़ें मेरे अंदर सिस्टम आ रही है, सीवियर कंडीशन हो गई है मेरी एकदम से, और डॉक्टर ने तो मुझे बिल्कुल छुट्टी लेके 10 दिन के लिए घर में बोला है बैठने के लिए कि घर में बैठो अभी 10-12 दिन घर से बाहर मत निकलो, एंड नेबुलाइजर की इंटेक बढ़ा दी गई है मेरे दिन में 3 से 4 बार बोला है लेने के लिए, एंड दवाइयों के डोजेस बढ़ा दिए गए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ और ऐड ऑन करी है टू गिव मी इंस्टेंट रिलीफ और रिलैक्स, जिसमें से आप लोगों को बता दूँ स्टेरॉइड्स भी हैं, बहुत सारे लोग स्टेरॉइड का मतलब जानते हैं क्या होता है, बट मजबूरी है मेरी कि मुझे स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, और
यस, पर मेरी कंडीशन वाकई बहुत ख़राब हो गई है गाइस। मेरी तबीयत, मेरी पूरी बॉडी में रात रात भर नहीं सो रही हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही रात रात भर लेट के सोने में। तो मैं उठ के बैठती हूँ, एकदम से बेचैन होती हूँ और उठ जाती हूँ, ये वाली कंडीशन हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रे कीजिए फटाफट से मैं अच्छे से रिकवर हो जाऊं, एंड हंसते गाते बोलते जैसे मेरे व्लॉग्स आते हैं हमेशा फुल रूटीन जोश के साथ, जैसे मैं अपना घर का सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर से दिखाऊं अच्छे से, व्लॉग्स आएंगे। बट हो सकता है कि ये व्लॉग सीधे सिर्फ एक एक दिन गैप करके आए, या दो दिन गैप करके आए, ऐसा हो सकता है, या फिर मैं सिर्फ हाईलाइट्स आपको शॉर्ट्स के ज़रिए शेयर कर पाऊँ। ये जो दो चार चीज़ें हैं ये आप उम्मीद करती हूँ कि समझेंगे और मेरे ब्लॉग्स को उतना ही प्यार देंगे जैसे आप देते आए हो। और बस यही सब चीज़ें लाइफ में, क्योंकि मैं हैवी डोजेज ऑफ मेडिसिन हूँ ना, तो मुझे नींद भी आ रही है अब खा के दवाइयाँ ना, कि मैं सो जाऊँ। बट आई एम, और ऑफिस की वजह से, क्योंकि दिवाली टाइम है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है और थोड़ा सा टेंशन का माहौल भी, बस ऑफिस की सूझ तो आपको पता है चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा मेंटल पीस हिल गया है मेरा ये ऑफिस की कुछ चीज़ों से, तो वो भी एक टेंशन है। बट वो क्या ही जिक्र करूँ, आप लोग समझते हो ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो वो भी एक टेंशन चल रही है दिमाग में। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझेंगी और प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और ऑफिस के भी इश्यूज जल्दी जल्दी शॉर्ट हो जाएं और आई एम बैक ऑन माय रूटीन। तो आई नो कि दुनिया में बहुत सारी टेंशन है सबके लाइफ में, लोग दूसरों के टेंशन वाले व्लॉग्स नहीं देखना चाहते, बट मैं शेयर कर रही हूँ ये सोचकर कि मैं एक डेली व्लॉगर हूँ और मेरे व्यूअर्स को मेरी अपडेट जाननी होती है, तो इसीलिए ये अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। एंड मेरे से आपको सीख ले सको तो ये ज़रूर लेना कि प्लीज़ अपने आप को, हेल्थ पहले है बाद में सब कुछ है, तो अपडेट अपने आप को हेल्थ बचा के रखिए। ये दिवाली का टाइम है, जो लोग एस्थमेटिक हैं वो बाहर अगर एक्सपोजर से जितना बच सकते हैं बाहर के एक्सपोजर से, क्योंकि दिवाली के टाइम पे लोग अपने घर की साफ़ सफाइयाँ भी करते हैं, तो उस साफ सफाई के से आप अपना आपका ट्रिगर पॉइंट जो भी है, जैसे मेरा ट्रिगर पॉइंट साफ सफाइयाँ, इन धूल मिट्टी, पेंट, पॉल्यूशन, या बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसी जगह पर एकदम से जाने पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स जो कहते हैं ना, कि ये हैं जहाँ मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का वाला, एकदम से मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगेगी, जहाँ रश बहुत ज़्यादा होगा, ऐसी जगहों पे। तो अगर आप लोगों को आपका ट्रिगर पॉइंट पता है कि कहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि इस टाइम पंजाब साइड में, या कहते हैं कि कट रही होती है ना, खेती बोलते क्या बोलते हैं, कटाई हो रही होती है, तो उसका जलाते हैं, तो वो भी है, उसका भी जो धुआं है, ये सब इस टाइम पे हो ही, हर एस्थमेटिक वाले बंदे को, नॉर्मल बंदों को भी खांसी जुकाम चल रहा है इस टाइम, और तो जो एस्थमेटिक वाला पर्सन है या जो साइनस वाले लोग हैं, उन लोगों को तो वैसे ही इस टाइम पे बहुत दिक्कत होगी। तो एक्सपोजर से बचिए। मैंने भी आज सोच रही हूँ बात करूँ थोड़े टाइम के लिए, मुझे 10-15 दिन घर से करने के लिए दें या 10-15 दिन की छुट्टी दे दें, जो भी होगा देखेंगे एंड उस हिसाब से करेंगे, आपको अपडेट करती रहूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ, आई लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।